बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के विनम्र स्वभाव को लेकर कहा जाता है कि जब भी शाहरुख के घर कोई मेहमान आता है, शाहरुख उस मेहमान को न केवल गेट तक छोड़ के आते हैं, बल्कि उस मेहमान की गाड़ी का दरवाजा भी उसके लिए खोलते हैं। शाहरुख की इस बात को लेकर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री शाहरुख खान की तारीफें करती है। लेकिन 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 एक ऐसा शख्स है जिसने बेहद मिन्नतें की मगर शाहरुख ने एक नहीं सुनी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस 16 से पूरे देश के चहीते बने अब्दू रोजीक हैं। अब्दू रोजीक बार बार मिन्नतें करते रहे। अब्दू ने सबसे पहले सलमान से कहा कि वो शाहरुख से मिलना चाहते हैं। इसके बाद अब्दू ने बिग बॉस में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार कहा कि उनकी भारत में एक लौती इच्छा बची है कि वो शाहरुख से मिलना चाहते हैं। इसके बाद अब्दू रोजीक शाहरुख खान के घर के बाहर भी पहुंच गए। पठान की रिलीज के बाद अब्दू रोजीक शाहरुख के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर हाथ में एक बोर्ड लेकर पहुंचे थे, लेकिन शाहरुख खान अब्दू रोजीक से नहीं मिले। और फिर दो ही दिनों के बाद शाहरुख अपने घर की बालकनी में अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने आ गए। जी हाँ, जिस दिन अब्दू शाहरुख के घर के बाहर आए थे, उस दिन ना तो शाहरुख बालकनी से अब्दू से मिले, ना ही अब्दू को घर के अंदर बुलाया। और अब्दू के चले जाने के बाद शाहरुख खान बालकनी पर आए फैंस का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ बेचारे अब्दू भारत छोड़कर दुबई चले गए और अब दुबई छोड़कर यूएसए जा रहे हैं। पता नहीं अब्दू रोजी की ये इच्छा कब पूरी होगी। इस बार तो अब्दू चले गए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब अब्दू दोबारा भारत लौटे तो उनकी मुलाकात शाहरुख खान से जरूर हो जाए। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।